नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस। जी हां, हम बात करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, और इस पे हम बात करेंगे कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। देखिए, सिनेरियो मैनेजर एक क्विक कैलकुलेशन या क्विक एक प्रेजेंटेशन टाइप का होता है, क्विक कैलकुलेशन कर देता है। तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स हमारे सामने 5000 है, कॉस्ट हमारा 3500 है और हमारा प्रॉफिट जो है वो 1500 है। अब इसको एक क्विक प्रेजेंटेशन में दिखाना, मैं एक क्विक रिपोर्ट या क्विक समरी टाइप में कुछ दिखाना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जाते हैं सिनेरियो व्हाट एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर्स में, और इसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं सेल्स, जो हेड टाइटल आपका होगा कि सेल्स, और यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट या जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा सेल्स प्रोडक्ट। और यहां पे हमने दे दिया प्रॉफिट एंड ओके। इसमें दो चीजें हैं, चेंजिंग सेल कि किस सेल में चेंज हो रहा है, तो मुझे चेंज करना है इन दोनों में, हमने इसको ओके कर दिया। आप ये जो B1 है फिक्स करना है क्या, कुछ और भी देना है कि नहीं, नहीं जो वैल्यू है वही रहेगी, हमें चेंज नहीं करना है, देन ओके किया हमने। उसके बाद अब इसमें देखिए, मैं समरी पे जस्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे बताता है सिनेरियो मैनेजर रिजल्ट सेल कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता है, बट आप दे भी सकते हैं एंड ओके कीजिए तो आपके सामने आ गया सिनेरियो समझी। करेंट वैल्यू 3500, सेल्स प्रॉफिट प्रोडक्ट 3500 यहाँ पे, और यहाँ पे रिजल्ट सेल्स में 1500 और या 1500, दोनों के यहाँ पे सेम करेंट वैल्यू और चेंजेबल वैल्यू भी दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर हम कि मेरा अगर प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा, जी हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कॉस्ट 3500 है तो 1500 का प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट अगर हमारा मान लीजिए कि 3700 होता, 3800 होता, तो क्या कैलकुलेशन होता? तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में अगर हमने बोल दिया कि कॉस्ट 3700, सेल चेंज सेम है एंड ओके वैल्यू, तो यहां पे हमने दे दिया 3700 ऐड हो गया। इसके बाद कोई और चाहिए तो यहां पे हम देते हैं अगर 4000, यहां पे कॉस्ट 4000 एंड ओके, यहां पे हमने 4000 दे दिया और फिर वापस यहां पे हमने दिया कॉस्ट 4500 ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमने 4500 दे दिया एंड अब इसको कैंसिल कर दीजिए एंड यहाँ शो पे क्लिक कीजिए। सिनेरियो पे माफ कीजिए, सोने सिनेरियो पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेंड किया है मेरे रिजल्ट इस पे आएगा, रिजल्ट सेल्स एंड ओके कीजिए। एक अलग सीट पे देखिए आपके सामने आ गया कि अगर आपका 3500 होगा करेंट वैल्यू जो सिस्टम में है, करेंट जो टाइप है वो, अब यहाँ पे देखिए 3500 हो गया, 3700 हो गया, 4000 हो गया एंड 5000 हो गया, दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो सीनियर मैनेजर का इसी तरह का यूज होता है आपके ऑफिशियल डेटाबेस में। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे पास मान लीजिए कि सेल्स है जिसमें MRP है, ये हमारे पास क्वांटिटी है और इसमें हमारा डिस्काउंट है, तो हमें ये देखना है कि टोटल डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 10% देते हैं तो क्या होगा, 20% देते हैं तो क्या होगा, 30% देते हैं तो क्या होगा, 40% देते हैं तो क्या होगा। यहाँ हमने क्या किया हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूले से इसका टोटल निकाला, टोटल डिस्काउंट निकाला हुआ। तो इसके लिए भी व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए। अब सिनेरियो पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं।
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने जो बना रखा है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट 10%। इन सेल किस में, D14 में, सही है। एंड यहाँ पे नहीं, माफ कीजिएगा, एक छोटी सी गलती हमने कर दिया, ऐड डिस्काउंट 10%, यहाँ D14 नहीं, यहाँ डी, यहाँ पे ये होगा द रिजल्ट सेल है ना, एंड ओके 10%, सही है। ऐड फिर हमने यहाँ पे किया डिस्काउंट्स 20%, एंड ओके। अब यहाँ हम 0.20 कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे डिस्काउंट 30% और यहाँ पे 0.30 कर दिया, एंड ओके। ऐसे ऐड डिस्काउंट 40%, ओके, और यहाँ पे 0.40 हम कर दिए, परसेंटेज में लिखना होता है, देन ओके। एंड अब मैं यहाँ समरी पे क्लिक करूँगा, तो समरी पे क्लिक करते ही जैसे ओके किया हमने, सेमी मैनेजर या पिवट टेबल रिपोर्ट दोनों में वर्क करता है। तो देखिए आपके सिस्टम पे एक समरी मैनेजर एक फॉर्मेटेड वे में एक अच्छे तरीके से आपकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे शो हो गई। अभी हर बार ऐसे कि अभी ऐड हो गया, नेक्स्ट टाइम करना है तो फिर वापस क्लिक कीजिए और नेक्स्ट टाइम कर लीजिए। तो हर बार आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार में ही ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, किसी तरह डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे साथ जूम पे लाइव ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ipt.india.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए, या फिर मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।